हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन मैं सचिन आज आज लेकर आ गया फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास तो आज की क्लास तो में हम कुछ टेक्चिंग से रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे वर्ल्ड मैप टेक्चि वैसे तो हम स्केल करके टेक्चर यू बी डब्ल्यू एंड रैप के थ्रू लगा देते हैं लेकिन वर्ल्ड मैप के थ्रू मैपिंग कैसे करना है जिससे कि एक्यूरेट टेक्स्चर आए काफी जगहों पर आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है टेक्स्चर का तो चलिए इस मैपिंग को वर्ल्ड मैपिंग को सीखते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं ऐसा कुछ आप यहाँ पे चाहोगे ऐसा कुछ मैंने एक वॉल बना लिया है यह आप देख सकते हो ऐसा कुछ एक मैंने वॉल बनाया नीचे प्लेन दे करके फ्लोरिंग कर दिया तो अब हम इसे हमें इस पर मैपिंग करना है तो हम यहाँ पे चाहते हैं इधर हम इसे फिलहाल साइड में ऐसा कुछ साइड में रख लेते हैं इस वाले पे वॉल पे मैंने ये डाल दिया सेकेंड को नीचे डाल दिया इस पे चलते हैं हम अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वीरे है नॉर्मल मैप ले सकते हो वीरे मैप ले सकते हो बिट मैप लोगे आप बिट मैप पे आप जहाँ भी आपने टेक्चर्स को डाला है वहाँ पे जाओगे और मुझे मान लो वहाँ पे वॉल लगाना है मुझे वॉल का टेक्चर देना है ब्रिक का तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ब्रिक का टेक्स्चर मुझे मिल जाए ठीक है तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये ब्रिक का टेक्स्चर है मैंने यहाँ टेक्चर अप्लाई कर दिया ये यह देखिए यहाँ टेक्स्टर अप्लाई हो चुका और दूसरे वाले पे हम जाते हैं और यहाँ पे भी पहले हम टेक्स्चर को अप्लाई कर लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे मैं ये फ्लोरिंग डाल लेता हूँ ये वाला फ्लोरिंग मैंने अप्लाई कर दिया मान लो ये फ्लोरिंग डाल दिया अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ टेक्चर डाला नीचे फ्लोरिंग डाला हम क्या करते हैं कि मैनुअली हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे जाते हैं यू वी डब्ल्यू यू प्रेस करके यू वी डब्ल्यू मैप इस पर डालते हैं यहाँ बॉक्स करते हैं और यहाँ से हम इसको टेक्चर को मैन्युअली ऐसा कुछ सेट करते हैं ये कभी भी एक्सैक्ट हमारा नहीं होता है तो हमें क्या करना है आपको अगर चाहते हो एग्जैक्ट जैसा रियल वर्ल्ड में जो ब्रिक्स का होता है मैपिंग प्रॉपर जो एक साइज होता है वही चीज यहाँ पे फिट हो देन आपको रियल वर्ल्ड मैप पे जाना होगा रियल वर्ल्ड मैप साइज इस पे आप क्लिक करोगे जैसे ही आप रियल वर्ल्ड पे क्लिक करोगे सारी चीजें हाइड हो जाएंगी देखिए बाकी चीज ये भी बॉक्स हो या प्लेन हो इसे कोई अब मतलब नहीं है ये सब सब बंद हो गया तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड मैप साइज कर देना है देन यहाँ आप टेक्चर पे आते हो टेक्चर पे भी यहाँ पे रियल यूज रियल वर्ल्ड स्केल ये कर देना है ठीक है रियल वर्ल्ड मैप एंड इधर रियल वर्ल्ड स्केल

फिर भी लेके चलो कोई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बारह बाई चार फीट का हाइट ले लो तीन इंच या चार इंच चार इंच भी ले, ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि कितना नीचे से अगर देखें एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ठीक है तो ये चौबीस हो रहा है तो चौबीस यानी कि चौबीस है अगर हम इंच में जैसे कि हम इंच में देख रहे थे तो चौबीस है तो यहाँ पे आप ट्वेंटी फोर इंच ट्वेंटी फोर आप डाल सकते हो ट्वेंटी फोर इंच ये देखिए ट्वेंटी फोर एंड यहाँ पे आप अब यहाँ पे इसी तरह ये एक यहाँ से मैं लेता हूं कहा से ले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है दस तो यहां पे आप मान लो दस फीट मैं कर देता हूं ये देखिए दस फीट ठीक है यहां पे टेक्सचर खराब हो रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉक्स चलिए बॉक्स कर देते हैं अब ये ठीक आएगा रियल वर्ल्ड मैपिंग प्लेन पे रख रक रखे थे इसलिए वो प्रॉब्लम आकर रहा था तो अब ये क्या हुआ कि मैंने एक इस पे फिट दिया और तो ये देखिए ये आपका अब दस बाय दस मैंने कर दिया है जबकि मुझे करना था कि ये यहाँ पे इसको विर्थ जो है इसको मुझे चौबीस इंच चौबीस बोल रहा हूँ हंड्रेड के अप्रॉक्स करना था तो ये देखिए छोटा हो रहा है थोड़ा सा तो इसे मैं अस्सी इंच कर देता हूँ नहीं ये विर्थ है विर्थ हमारा क्या था दस फीट था तो दस फीट दस फीट दे दिया और ये था हमारा हंड्रेड इंच तो ये देखिए ये जो अब हुआ ये हमारा रियल वर्ल्ड पे हो गया सिम आ रहा है ये सिम तो आप पता है टेक्चर आप रिमूव कर सकते हैं सिमलेस टेक्सचर लोगे तो ये जो यहाँ सिम बन रहा है ये सिम नहीं बनेगा उसके लिए आपको सिमलेस टेक्सचर लेना होगा जैसे नीचे ये सीमलेस टेक्सचर है इसमें नहीं बनेगा ये तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो अच्छा मैंने कैसे ये हिसाब लगाया फिर से मैं बता दू यहां पे मैंने यहाँ गिनती किया तो ये चौबीस ब्रिक दिख रहे हैं मैं चार इंच का हाइट एक ब्रिक का लेके चल रहा हूं और ये वर्थ में बारह इंच तो क्योंकि ये बारह इंच है और यहां मैंने दस ब्रिक ऐसे गिना था तो मैंने क्या किया दस फीट ले लिया था क्योंकि दस है तो दस फीट मैंने वर्थ वाइज ले लिया था तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ आ, दस टाइप कर दिया ये दस टाइप कर दिया और नीचे ये 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 चौबीस है तो चौबीस को चार से तो ये हंड्रेड इंच मैंने ऐसा कुछ कर दिया अब इसी तरह अब ये हमारा क्योंकि मैंने साइज प्रॉपर दिया ये हमारा हंड्रेड परसेंट जो है ये परफेक्ट साइज में आएगा हमेशा अब यहां से आप देख सकते हो कि कैसे ये? ये सिंगल सिंगल ब्रिक मेरा इतने में आ रहा है और ये क्या हो रहा है प्रॉपर इसका टाइलिंग बन रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा है अब हम इस यही चीज वर्ल्ड मैपिंग का हम नीचे समझते हैं इस वाले पे नीचे इस पे जाते हैं इस पे जाते हैं यहाँ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हम यूवीड्लू मैप पहले डाल देते हैं और मैप पे डालने के बाद हमें रियल वर्ल्ड मैप कर देना है रियल वर्ल्ड मैप करने के बाद यहाँ भी जाके आपको यूज रियल वर्ल्ड स्केल कर देना है यहाँ ज्यादा आपको और अच्छे से क्लियर होगा मान लो आप यहाँ पे इसको स्केल करते हो एक टाइल कितने का होता है ये दो फीट बाई दो फीट होता है कभी कभी डेढ़ फीट भी आता है दो फीट भी आता है ज्यादातर जो ये टाइल्स होते हैं घरों में ये दो फीट बाई दो फीट के ज्यादातर टाइल्स होते हैं तो दो फीट और ये दो फीट चार फीट यहाँ दो फीट या तो, तो विर्थ और लेंथ दोनों इसका चार बाई चार जाएगा तो हमें क्या करना है यहाँ पे चार फीट बाई चार फीट टाइप करना है बस तो साइज टाइप करना है ये देखिए जैसे ही हमने चार फीट बाई चार फीट साइज टाइप किया आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह आपको दिख जाएगा ये आपका प्रॉपर तो ये वर्ल्ड अब ये एकदम रियल साइज में है बस आपको ये इंटीरियर वगैरह में एक्सटीरियर में ये ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपको क्लाइंट बताया जाता है था ये जो हम टाइल्स लग, आपको का इमेज भेजे हैं ये इतने बाय इतने का है तो यहाँ रियल वर्ल्ड आप करके और यहाँ पे ये साइज टाइप कर देते हो उतने बाई उतने का आपका टाइल्स ऑटोमेटिक फिट हो जाता है आपको कुछ भी स्केलिंग करना और खुद से जुगाड़बाजी अच्छा मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो रियल में दिखेगा वही आपका यहाँ पे दिखेगा टेक्सचर तो ये रियल वर्ल्ड स्केल कर करने के लिए और यहाँ रियल वर्ल्ड मैपिंग ये होता है ये करके आप आसानी से इस तरह से रियल वर्ल्ड में जो भी होगा वो आप अपने थ्री सीन में एक्सैक्ट चीजें कर लोगे अच्छा ये हमेशा रियल वर्ल्ड ऐसा ही रहे टिप्स यही था टेक्चरिंग के रिगार्डिंग अब आपको चाहते हो हमेशा यही आपको रियल वर्ल्ड आपको ऑन मिले तो आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है और टेक्चर कोऑर्डिनेटर्स ये टेक्चर कोऑर्डिनेटर्स यूज रियल वर्ल्ड टेक्चर कोऑर्डिनेटर्स इसे ऑन कर दोगे देखिए इसे ऑन कर दोगे जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो आपका हमेशा ये रियल मान लो मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ इसे हटा दिया ठीक है अब मैं हटा दिया यहाँ पे जाऊँ ये UVW वी डब्ल्यू बॉक्स करूँ रियल वर्ल्ड कर दूँ मुझे फिर से करना पड़ा लेकिन अभी मैं आ, हटा दूं फिर से मैं डालूं फिर से वही मुझे बार बार जा करके ये ऑन करना पड़ेगा ठीक है यहाँ से इसे ऑन ऑफ बार बार करना पड़ेगा या मैप में भी मैप में भी यहाँ पे भी आपको ये बार बार करना पड़ेगा ऑन ऑफ चाहते हो कि ये अगर आप हमेशा के लिए चाहते हो रियल वर्ल्ड में ही काम करना तो आपको बस यहाँ पे इसे ऑन कर देना पड़ेगा जो मैं अभी बता भी रहा था इसके ऑन कर देना अब जैसे कि मान लो मैंने कर दिया ऑन ओके कर दिया अब जाऊंगा यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन करू बी डब्ल्यू ये देखिए रियल वर्ल्ड ऑटोमेटिक ये आ गया ऑटोमेटिक ये ऑन आया तो ये आपका हमेशा ऑटोमेटिक ऑन रहेगा क्योंकि वहां आपने ऑन कर दिया अब मैं हटाता हूं मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा नहीं चाहिए ऑन मैं जरूरत के अकॉर्डिंग मुझे ऑन ऑफ करना है जब मुझे जरूरत हो तो मैं ऑन करूंगा जब जरूरत ना हो तो ऑफ करूंगा मैं कभी कभी स्केल करके भी करता हूं मैं भी इसका यूज करता हूँ लेकिन मैं इसको हमेशा ऑन नहीं रखता हूँ मुझे जरूरत जब जरूरत पड़ता है तो मैं इन चीजों का यूज करता हूँ रियल वर्ल्ड का रियल वर्ल्ड मैप साइज का मैं जरूरत के टाइम पे करता हूँ तो इस तरह से आप जरूरत पे यूज कीजिए मन है तो हमेशा के लिए ऑन कर दीजिए क्लास अच्छा लगा तो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा तो हिट कीजिए लाइक बटन दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस तरह का टिक्स टिप्स वगैरह जान सके इस टिप्स का यूज कर सके सभी लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी जिनको भी ज़रूरत पड़ सकता है एंड सभी लोग अच्छे से यूज कीजिए कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी है कुछ कुछ भी टेक्स्टिंग से रिलेटेड मॉडलिंग से रिलेटेड लाइटिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है कमेंट कीजिए मैं अगर सिंपली अगर टेक्स्ट में मैं समझा सकता तो मैं टेक्स्ट कर दूंगा और नहीं तो नेक्स्ट जो आप क्वेरी कर मुझे भेज रहे हो जो आप टाइप कर रहे हो उसके नेक्स्ट संडे सुबह दस बजे या शाम के चार बजे इसी टाइम पे मैं लाइव क्लास करता हूँ उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा तो बिंदास खुल के आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फिरते हैं फिरते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास लेकर मिलते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू